हाय एवरीवन, आज हम हैं बलेनो के अंदर और ऑटोमेटिक बार इसको मैंने खरीदा था कुछ टाइम पहले और चलिए देखते क्या है इसके अंदर सिस्टम। इसका थोड़ा सा और थोड़ा डिफरेंट है, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज। अभी बलेनो में हम लोग और ये 2016 में मैंने खरीदी थी, फर्स्ट मॉडल है बलेनो का। सो आई रियली लव दिस कार। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार। आई विल जस्ट शो यू द फंक्शंस, वेरी बेसिक फंक्शंस। जैसा पिछली वाली वीडियो के अंदर आपने देखा, सेम वही लिवर है इसके अंदर। इस कार का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वो ये कि इसके अंदर क्लच नहीं है, और अगर क्लच नहीं है तो गियर नहीं है, और गियर नहीं है तो बार बार जो गियर चेंज करने के हैसल्स होते हैं वो नहीं है। सो आई थिंक मेरे को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी उस समय लगा था जब मैंने नई गाड़ी खरीदी थी, क्योंकि मेरे पास जो पहले ऑल्टो थी उसकी वजह से मेरे को जो प्रॉब्लम्स होने लग गए थे वो मैं अभी ड्राइविंग के टाइम पे बताऊंगी कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे। तो मैंने अपने आप को यहाँ पर ये देखा कि दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल एंड एक्सट्रीमली ईजी टू ड्राइव। और लेट्स गेट गोइंग, पहले देखते हैं चला के एक बार कैसे कैसे क्या फंक्शंस हैं, और मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी आपको इस बीच के अंदर ड्राइविंग के टाइम पे। सो नाउ आई एम सेटलिंग डाउन वेरी क्विकली। सो आई थिंक वी आर बैक हियर। मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाड़ी, एसी चालू करना है मुझे। एसी चालू हो गया, विंडोज ऑफ। आई थिंक मेरे रियर व्यू मिरर्स ओपन है अभी, मैं सीट बेल्ट लगा लेती हूँ। दिस इज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि सीट बेल्ट लगाना कितना ज़रूरी है। ये नाउ अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज कि आप अभी देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि मैं अपने पैरों को बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही इसके अंदर, कहीं पे भी कोई भी इसका यूसेज नहीं है। ये बिल्कुल कंफर्टेबल पोजिशन में रहेंगे और एक भी जगह पे कहीं पे भी मैं पैर यूज़ करने वाली नहीं हूँ। ये सिर्फ ये लिवर यूज़ करूँगी ब्रेक लगाने के लिए और एक्सेलरेट करने के लिए। आप देखिए, आवाज़ अगर आ रही होगी तो एक्सेलरेशन की आवाज़ है, और ये ब्रेक लगाया है फिर एक्सेलरेट करूँगी। लेट्स गेट गोइंग। मैंने ड्राइव मोड में डाल दिया है कार को, पार्किंग मोड से, और हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको जयपुर की सबसे खूबसूरत सड़क पर लेकर चलूँगी, जनपथ। और सामने आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग का नाम है विधानसभा, राजस्थान की असेंबली है ये। इस एरिया में कार चलाने मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होता है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और ग्रीनरी बहुत अच्छी है। बारिश के टाइम पे ये काफ़ी खूबसूरत हो जाता है, और ये एक तरीके से मेरे लिए गेड़ी रूट है। मैं यहाँ पे रोज़ घूम घूम के चली जाती हूँ, इनफैक्ट रोज़ तो नहीं, लेकिन जब भी आती हूँ तो एक चक्कर ज़रूर काट के जाती हूँ। यहाँ पर मैं एक यू टर्न ले रही हूँ, क्योंकि आगे सिक्योरिटी मेजर्स के चलते रास्ता बंद है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि मैंने स्टीयरिंग पे एक जो छोटी सी चीज़ लगा रखी थी उसको क्या बोलते हैं, और अभी आप ये वंडर कर रहे होंगे कि लास्ट वीडियो के अंदर तो कुछ और था और अभी वाले वीडियो के अंदर ये कुछ और लगा रखा है। सो इन दोनों चीज़ों को बोलते हैं स्टीयरिंग नॉब। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, और उससे ये आइडिया लगेगा कि मैंने उस पर कौन सा स्टीयरिंग नॉब यूज़ किया था गाड़ी चलाते समय। और वो एक छोटा था, ये वाला 3-पिन स्टीयरिंग नॉब है। दोनों के फंक्शंस बहुत डिफरेंट है। मुझे आप क्लोजली ऑब्ज़र्व करिए, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी पैर को यूज़ नहीं लिया है, सिर्फ हैंड कंट्रोल और स्टीयरिंग को ही मैं चला रही हूँ। सो ऑल्टो से मैं बलेनो में क्यों शिफ्ट हुई थी, इसके पीछे एक मेजर रीज़न ये था कि मेरे घुटने में और मेरे एड़ी के अंदर, जो कि मेरा एंकल और मेरा नी, ये दोनों में बहुत बहुत दर्द रहने लग गया था। लॉन्ग डिस्टेंसेस के अंदर मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं कर पाती थी, और इस वजह से मुझे अभी बलेनो में या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ये समझ में आया कि मुझे अपना लेफ़्ट फुट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और इनफैक्ट पैर को यूजेज ही नहीं है इसके अंदर कहीं पर भी। सो मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई, आसान हो गई, और आई थिंक अब मैं ईज़िली लॉन्ग डिस्टेंसेज के ऊपर ड्राइव कर सकती हूँ। मैंने बहुत ड्राइव किया भी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
ओके सो मैं अब पहुंचने वाली हूँ जहाँ पे मुझे जाना था। अब आप लोग प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इन केस अगर कोई आपके मन में सवाल है, कोई कोई शंका है, कुछ भी तरीके का मन में बात आती है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब दूंगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, वो होएगा स्टीयरिंग नॉब्स के ऊपर, कौन कैसे कब कहाँ किस लिए यूज़ कर सकता है उसके ऊपर। अनटिल देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड Stay tuned for the next video. See you. Bye-bye.